हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जूआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग VB.NET का प्रैक्टिकल नंबर 24। दैट इज़ अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ADO.NET। ओके, ADO.NET का फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट डॉट नेट। ओके, इज अ सेट ऑफ फ्रेमवर्क डेटाबेस प्रोग्रामिंग क्लासेस। ओके, यहाँ पे हम सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस यूज करते हैं दैट रेंडर द डेटा एक्सेस सर्विसेज फ्रॉम द डॉट नेट फ्रेमवर्क। ओके, यानी कि आपको जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए आप जो डेटाबेस से आपको एक आपके विजुअल स्टूडियो को कनेक्ट करना है। ओके, डिफरेंट सॉफ्टवेयर मौजूद है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, जैसे कि MS Access है, Oracle है, SQL सर्वर है। ओके, उससे हम कैसे ये हमारा जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है उससे हम कैसे कनेक्टिविटी डेटाबेस कनेक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो ADO.NET ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर प्रोसेस थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ ये क्या है, पूरा एक कंप्लीट क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसीजर है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेसिक क्या होता है, यहाँ पे आपका डेटाबेस है, यहाँ पे आपके XML लैंग्वेज यूज़ होती है। जो डेटा सेट होता है वो XML लैंग्वेज में स्टोर होता है। XML का मतलब होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ओके, उसके बाद ये प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट, इस पार्ट को हम प्रोवाइडर ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और ये जो हमारे हैं वो कॉमन ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा डॉट नेट फ्रेमवर्क का डेटा प्रोवाइडर है। डेटा प्रोवाइडर इज कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट। फर्स्ट वन इज कनेक्शन, सेकेंड इज कमांड, थर्ड वन इज डेटा रीडर, एंड फोर्थ वन इज डेटा अडेप्टर। सो डेटा अडेप्टर में हम कौन कौन से कमांड यूज़ कर सकते हैं? सिलेक्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं, अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, और डिलीट कमांड यूज़ करते हैं। और ये डिरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? आपकी जो आपकी डेटाबेस फाइल होगी, यानी कि आपका ओरेकल हो सकता है, आपका सर्वर SQL सर्वर हो सकता है, या फिर आपका MS Access हो सकता है। ओके, तो ये आपके डेटाबेस से ये सब कुछ डेटा रीड करने का काम करेगा, डेटाबेस से एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने का काम करेगा। और उसके बाद आता है डेटा सेट। ओके, डेटा सेट में आप डेटा सेट यानी कि आपके कलेक्शन ऑफ डेटा टेबल्स। ओके, यानी कि आप जो हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे रो कलेक्शन यानी कि आप जो वैल्यूज़ दे रहे हो। ओके, समझो आपका आपके पास कॉलम है स्टूडेंट और स्टूडेंट नेम और आईडी। तो आईडी और नेम ये आपके क्या हो गए? कंस्ट्रेंट हो गए। ओके, डेटा कॉलम कौन सा है? तो आपका स्टूडेंट का एक कॉलम है आईडी का, और स्टूडेंट नेम का एक कॉलम है। और रो कलेक्शन का मतलब कि आप उसमें डेटा स्टोर करें ABC XYZ 1 2 3 4 ऐसा करके आईडी, तो वो क्या होगा? डेटा रो कलेक्शन। और ये दोनों आपस में क्या होता है? एक साथ जुड़े हुए होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस अवेलेबल। तो यहाँ पे आप डेटाबेस की जगह कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ कर सकते हैं, ओरेकल यूज़ कर सकते हैं, बोरलैंड इंटरबेस नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, IBM DB2 या फिर MySQL। फिलहाल हम हमारे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में हम जो भी कनेक्टिविटी करने वाले हैं वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम करने वाले हैं। तो उसके बाद हम डेटा प्रोवाइडर की तरफ आते हैं। ओके, डेटा प्रोवाइडर का मतलब ये ODBC डेटा प्रोवाइडर है। ओके, ये सबसे पहला ओल्डर था। ODBC का होता है ओपन सोर्स डेटाबेस कनेक्शन। ओके, तो ये जो ODBC इंटरफेस को कनेक्ट करने के लिए हम ODBC प्रोवाइडर यूज़ करते थे। उसके बाद आता है OLEDB प्रोवाइडर। ओके, OLEDB प्रोवाइडर यानी कि आपको एक्सेस और एक्सेल से कुछ डेटा लिंक करना है तो आपको OLEDB प्रोवाइडर यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद ओरेकल डेटा प्रोवाइडर, तो अगर आप ओरेकल का डेटाबेस यूज़ करें तो आप ओरेकल डेटा प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप SQL सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो आप SQL डेटा प्रोवाइडर क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिंटैक्स ऑफ डेटाबेस कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन कमांड डेटा रीडर। ओके, तो अब देखेंगे हम कनेक्शन कमांड डेटा रीडर, डेटा सेट और डेटा ग्रिड। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कनेक्शन का सिंटैक्स कैसा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? OLEDB कनेक्शन, ये जो प्रीवियस डिफाइंड क्लास है जो कि आपके सिस्टम डॉट डेटा डॉट OLEDB में स्टोर है प्रीवियसली, तो उससे आपको उस पर्टिकुलर क्लास का एक कौन नाम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा।
उसके बाद कॉन इज इक्वल टू न्यू ओएलडीबी कनेक्शन, ओके इन ब्रैकेट प्रोवाइडर, आपको प्रोवाइड आप कौन सा प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर आप एक्सेस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए सी डॉट ओ एल डी बी डॉट 12.0। उसके बाद आपका डेटा सोर्स यानी कि आपका जो जहाँ पे भी आपका डेटाबेस स्टोर है उसका पाथ आपको यहाँ पे डेटा सोर्स में असाइन करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये होगा ओ एल डी बी कनेक्शन के लिए। अगर सपोज आप एस क्यू एल कनेक्शन कर रहे हैं तो आपको इंस्टेड ऑफ ओ एल डी बी कनेक्शन आपको यहाँ पे एस क्यू एल कनेक्शन क्लास यूज़ करना पड़ेगा और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और कनेक्शन कैसे करेंगे, देखिए कॉन इज इक्वल टू न्यू एस क्यू एल कनेक्शन इन ब्रैकेट सर्वर्स, ये आप कुछ नहीं देंगे, यूज़र आई डी इज इक्वल टू एस ए, पासवर्ड इज इक्वल टू एस ए और डेटाबेस का नाम होगा स्टूडेंट, ओके। उसके बाद कमांड, अगर आपको पर्टिकुलर डेटाबेस से कुछ भी डेटा क्या करना है, फेच करना है, तो आपको ओ एल डी बी कमांड ये क्लास यूज़ करना पड़ेगा और इसको यूज़ करने के लिए आपको फिर से उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो सी एम डी इज इक्वल टू न्यू ओ एल डी बी कमांड, ओके। और इस ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी कमांड आपको उस पर्टिकुलर डेटाबेस पे परफॉर्म करनी है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। उसके बाद डबल कोट्स कंप्लीट करके कॉमा देकर आपको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, ओके। उसके बाद हम अगर हम एस क्यू एल डी बी कमांड करते हैं तो एस क्यू एल कनेक्शन यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पे एस क्यू एल कमांड या क्लास यूज़ करना पड़ेगा। उसके इसके लिए भी हमने सी एम डी करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और आपको क्या करना है, जहाँ पे ओ एल डी बी कमांड है वहाँ पे आपको एस क्यू एल कमांड लिखना पड़ेगा और सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा देकर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। या आप यहाँ पे आप दूसरी क्वेरी भी दे सकते हो, ओके। उसके बाद डेटा रीडर, ओके डेटा रीडर क्या करता है, जो आपने कमांड पास की है, जो क्वेरी आपने पास की है उसको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, ओके। तो देखिए यहाँ पे डी आर फॉर डेटा रीडर ओ एल डी बी डेटा रीडर, डी आर इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ओके यानी कि यहाँ पे जो क्वेरी होगी वो एग्जीक्यूट होगी, ओके। उसके बाद अगर आप एस क्यू एल डेटा रीडर यूज़ कर रहे हैं तो आपको दोनों में आप एक ही एग्जीक्यूट रीडर यूज़ कर सकते हैं, ओके। उसके बाद डेटा सेट, डेटा सेट का मतलब क्या है, यहाँ पे हम एक ही टेबल में मोर देन वन क्या करते हैं, जो टेबल का डेटा है वो मर्ज करके यहाँ पे हम रखते हैं डेटा सेट में। तो देखिए यहाँ पे डेटा सेट से अगर आपको कोई डेटा टेबल एंटर ऐड करना है तो आपको डेटा सेट के लिए फिर ये मेथड यूज़ करनी पड़ेगी। तो आपको डेटा सेट का नाम देना पड़ेगा और उस डेटा सेट में आप क्या ऐड करना चाहते हैं, जो टेबल ऐड करना चाहते हैं उस टेबल का नाम आपको डबल कोट्स में देना होगा, ओके। डेटा ग्रिड मतलब एक स्क्वायर स्क्वायर आइकन स्क्वायर कंट्रोल होता है और जहाँ पे आपको क्या करता है, आपके डेटा सोर्स में जो भी डेटा अवेलेबल है उसको अगर आपको आपके फॉर्म में शो करना है तो आप डेटा ग्रिड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एरियो डॉट नेट टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम करने से पहले हम देखेंगे कि एक्सेस में डेटाबेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे एक्सेस 2010 है, अगर आपके पास दूसरा है तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पे मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को ओपन कर लेती हूँ, ओके। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इसका इंटरफेस दिखेगा, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है, ब्लैंक डेटाबेस, यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम जो देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेम 02 करके क्रिएट करती हूँ। उसके बाद नाम देने के बाद आप यहाँ पे जो भी पाथ आपको मेंशन कर सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो आपको ब्राउज़ करना है तो आप यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, आपको जो भी पाथ चाहिए तो, ओके। फ़िलहाल मैं यहाँ पे ही रखूँगी, तो इसको मैंने क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ओके। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे टेबल वन आ जाता है, तो मैं इसको नहीं यूज़ करने वाली हूँ, तो मैं इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज़ कर सकते हैं, तो मैं क्लोज़ कर दिया। अब आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट टैब पे और आपको टेबल क्रिएट करना है, ओके। टेबल क्रिएट करने के बाद आपको कहाँ जाना होगा, यहाँ पे व्यू में जाना है और जो
एरे दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करके आपको डिजाइन व्यू में जाना है। ओके, तो डिजाइन व्यू में जब भी आप जाएंगे तो आपको इस तरह से टेबल सेव करने का विंडो आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे मैं लिखूँगी T3। ओके, सो मैं इसका नाम रख देती हूँ टेबल का T3। तो देखिए T3 यहाँ पे आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी वैल्यू चाहिए आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट स्टूड अंडरस्कोर नेम करके एक स्टूड अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पे हम ऑटो नंबर की जगह हम सिलेक्ट करेंगे नंबर। तो आईडी क्या होता है, बेसिकली न्यूमेरिक होता है, तो यहाँ पे उसका मैंने डेटा टाइप नंबर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टूड अंडरस्कोर सिटी, ओके, तो यहाँ पे सिटी की जगह पहले नेम लिख देती हूँ। तो नेम, तो नेम के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टेक्स्ट। ओके, इसके बाद हम लिखेंगे स्टूड अंडरस्कोर ब्रांच। ओके, तो यहाँ पे भी हम उसका डेटा टाइप क्या रखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने टेबल का डिज़ाइन बना दिया, यानी कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और ब्रांच, ये क्या हो गए, हमारे कॉलम्स हो गए। यहाँ पे आप की देख सकते हैं, इसको हम प्राइमरी की कहते हैं। आपको डेटाबेस में पता होगा कि प्राइमरी की कितनी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको इसको प्राइमरी की नहीं देने तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो रिमूव हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या करूँगी मैं, मुझे आईडी एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, तो मैं इसको आईडी को ही क्या करूँगी, प्राइमरी की सेट करूँगी। और ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी टेबल में सिर्फ एक ही प्राइमरी की क्या होती है, प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम फिर से व्यू में जाएंगे और डेटा शीट व्यू में जाएंगे। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, तो यस करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे कॉलम कैसे बन गए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट ब्रांच। तो यहाँ पे मैं आईडी लिख देती हूँ 11, स्टूडेंट का नेम हम लिखेंगे ABC, ब्रांच लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए मैं कॉम्प यूज करूँगी। उसके बाद हम दूसरा आईडी बनाएंगे 12 एक्स, एक्स वाई जेड। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे मैक। ओके, इसके बाद हम एंटर कर लेंगे। तीसरा आईडी में यहाँ पे बनाऊंगी PQR, और इसका हम लिखेंगे EXTC। ओके, सो इस तरह से मैंने क्या कर दिया है, और हम चौथा एक बना देते हैं, चौथा आईडी है DEF, और इसका हम ब्रांच रखेंगे सिविल। ओके, तो इस तरह से हम क्या, हमने क्या किया है, एक टेबल प्रिपेयर कर लिया है। अब हम इस टेबल को सेव कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, सेव हो गया। आप यहाँ से सेव कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने डेटा टेबल बना लिया। ओके, अब हम देखेंगे कि हमें उन्होंने क्या पूछा है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग Aerio.net टू कनेक्ट टू द डेटाबेस। तो यहाँ पे देखिए मैंने पहले से बना रखा है कनेक्शन VB। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे दो नेम स्पेस सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही करके रखा है प्रीवियसली। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो नेम स्पेस क्या की है, इंपोर्ट किए। पहला है system.oldb, क्योंकि मैं oldb कनेक्शन यूज़ करने वाली हूँ। और उसके बाद मैंने system.console को यहाँ पे क्या किया है, system.console को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे जो जो लिया है वो मॉड्यूल है। ओके, तो मैंने मॉड्यूल का नाम लिख दिया है कनेक्शन। उसके बाद मैंने oldb कनेक्शन ऑब्जेक्ट में कनेक्शन क्लास में यूज़ करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माई कनेक्शन लिख दिया है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे oldb कमांड यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पे oldb कमांड के लिए माई कमांड करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। oldb डेटा रीडर हम यूज़ करने वाले हैं, तो उसके लिए dr नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ओके, उसके बाद देखिए
तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने अब देखिए सब मेन लिख दिया। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, एक्चुअल कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माई कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन। आपका प्रोवाइडर में एक्सेस यूज करिए तो माइक्रोसॉफ्ट .ac.OLEDB 12.0 वही रहेगा। उसके बाद आपको आपके डेटा सोर्स की क्या करनी है, वहाँ पे जो डेटा सोर्स है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उसका पाथ देना पड़ेगा। तो फिलहाल मैंने ये डेटाबेस बंद करके रखा था। ओके, जो अब हमने यूज़ किया है डेटाबेस या demo02 हम उसको यूज़ करेंगे। तो मैं इसको क्लोज कर लेती हूँ सबसे पहले, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आपको यहाँ पे देख सकते हैं डेटाबेस बंद करके एक SHCMD करके यहाँ पे एक एक्सेस डेटाबेस ऐड है, डेमो करके एक एक्सेस डेटाबेस ऐड है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके प्रोजेक्ट में वो हम कनेक्शन कैसे करेंगे। तो आपको यहाँ पे सिंपली डेटा सोर्स में जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आइकन दिख रहा है ओके यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जो आपके प्रीवियस जो है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ऐड न्यू डेटा सोर्स, तो यहाँ पे जाना है और डेटाबेस सिलेक्ट हो जाएगा। तो डेटाबेस सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद डेटा सेट सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जहाँ भी आपकी फ़ाइल सेव है डेटाबेस की फ़ाइल, उसको हम यहाँ से ब्राउज कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम जाएंगे हमारे डॉक्यूमेंट्स में और यहाँ पे आपको demo02 मिल जाएगी। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे उसका पाथ आ गया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखेंगे मैसेज आ जाएगा। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड का आ जाएगा। अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसके रिलेटेड जो भी मैसेज आ जाएगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके, तो आपका यहाँ पे demo02 SSCDB सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ओके, और वो यहाँ पे आपको एक मैसेज दे रहा है। इस मैसेज में वो आपको पूछ रहा है कि उस पर्टिकुलर डेटाबेस को आपको आपके प्रोजेक्ट में ऐड करना है कि नहीं, तो आपको येस पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे demo02 कनेक्शन स्ट्रिंग क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। यह कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद उस पर्टिकुलर टेबल में डेटाबेस में से आपको क्या सिलेक्ट करना है, डेटाबेस और उसके जो भी स्टोर है व्यूज, तो मुझे सभी चाहिए। तो मैं अपने दोनों को चेक कर दूँगी और फिनिश पे क्लिक कर दूँगी। देखिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे अब जब जब ये कंप्लीट हो जाएगी प्रोसीजर तो आपको दिखेगा demo02। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया demo202 SSCDB। अब demo02 dataset.xsd यहाँ पे क्या होने वाला है, अपने आप ही यहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो उस वो जो प्रोसीजर है XSD डेटा सेट की वो क्या है, थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे 02 SSC 02 डेटा सेट .xsd यहाँ पे कंप्लीट हो गई। वंस ये जो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई तो हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी का सिग्नल आ गया है। इसका मतलब वो प्रोसीजर जो क्या हमने की थी वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब हम वापस से हमारे connection.vb में जाएंगे और यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखेंगे आपको क्या, अपने जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है उससे मिलकर हम क्या करेंगे, इस demo02 से हम वो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने न्यू LEDB कनेक्शन लिया है।
प्रोवाइडर जो आपके एक्सेस का है वो यहाँ पे प्रोवाइडर हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, डेटा सोर्स में हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे आपका डेमो 02 स्टोर है उसका पाथ यहाँ पे देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, तो ये डॉक्यूमेंट्स में था डेमो 02। तो इसको हम सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। आप चाहे तो यहाँ से भी दे सकते हैं, मैं इसको कट करके उसी प्रोजेक्ट में क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी यहाँ पे, मैं पेस्ट कर देती हूँ। ओके, तो डेमो 02 आ गया। तो आपको यहाँ से आपका पाथ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कर दीजिए और यहाँ पे जाके आपको उसको डबल कोट में वो पाथ को पेस्ट करना है। ओके, ओके। अब आगे आपको स्लैश देकर आपके जैसा नाम आपने मेंशन किया है उसी तरह आपको वो नाम देना है, डेमो 02.accdb, accdb यानी एक्सेस डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पे तो कनेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब हमें उस कनेक्शन को ओपन करना है और कमांड में अब हमने यहाँ पे T2 लिखा था, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा T3, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T3, और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमने वहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद DR यानी कि डेटा रीडर इज इक्वल टू माई कमांड, यानी कि यहाँ पे जो कमांड है उसको हम एग्जीक्यूट करने वाले, तो यहाँ पे हमने लिखा है माई कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ओके, उसके बाद जब तक हमने यहाँ पे लिखा है DR.read, जब तक हमारा जो डेटा रीडर है वो रीड कर रहा है तब तक हमें क्या करना है, वाई जो नेम है वो हम उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, रोल नंबर को हम डिस्प्ले कर देंगे। ओके, और हमें क्या करना है, हमने उसमें ब्रांच भी लिया था। ओके, तो हम यहाँ पे राइट लाइन करके यहाँ पे हम डबल कोट में लिखेंगे ब्रांच, और यहाँ पे हम लिखेंगे एम्परसेंड DR DR1 लिख देंगे, DR2 लिख देंगे। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लूप को क्लोज कर दिया डू वाइल को। उसके बाद हम DR जो है हमने ओपन कर दिया था उसको हम क्लोज कर देंगे, कनेक्शन को क्लोज कर देंगे और रीड लाइन मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब हम इसको सेव करेंगे और हमारा जो कनेक्शन VB है वो स्टार्ट करके देखेंगे। ओके, तो देखिए इस तरह से आपका डेटा रीड हो रहा है टेबल में से, नेम ओके नेम की जगह सिर्फ 11 जा रहा है और रोल नंबर की जगह ABC। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने रोल नंबर दिया था तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे थोड़ा सा और फिर से एग्जीक्यूट कर देंगे। अब हम नेम के लिए क्या लिखेंगे, DR1, और रोल नंबर के लिए हम लिखेंगे DR2। DR1 का मतलब क्या है, Row 1। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम सेव करके इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो देखिए नेम क्या हो गया ABC, रोल नंबर क्या है 11, ब्रांच क्या है कॉम। तो मैं आपको आपका जो Demo 2 डेटाबेस है ओके मैं इसको ओपन कर लेती हूँ ताकि आपको पता चले कि जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था ओके T3 टेबल 11 ABC कॉम। तो इसको मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे
नेम क्या है एबीसी, रोल नंबर कितना है 11 और ब्रांच कौन सी है कॉम। इसके बाद एक्स वाई जेड है, रोल नंबर है 12 और ब्रांच क्या है मैक। उसके बाद पी क्यू आर है, रोल नंबर है 13 और ब्रांच है ESTC। उसके बाद नेम है DEF, रोल नंबर है 14 और ब्रांच क्या है हमारी सिविल। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन क्या हो गया है, एस्टैब्लिश हो गया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग कंसोल एप्लीकेशन आप इस तरह से ADO.NET की मदद से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, तो हम आगे जाएंगे और आगे उन्होंने क्या पूछा है देखेंगे। डिज़ाइन द विंडोज एप्लीकेशन दैट विल डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ टेबल इन MS Access डेटाबेस ऑन डेटा ग्रिड कंट्रोल यूजिंग डेटा एडाप्टर। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फॉर्म बनाया है। ओके, दिखाती हूँ। तो ये जो क्या है, ये हमारा डेटा ग्रिड व्यू है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये डेटा ग्रिड व्यू है। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में, तो देखिए मैं थोड़ा सा फॉर्म बड़ा कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पे जाना है। ओके, तो अब यहाँ पे मैं सभी जो पार्ट ओपन है उसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, तो इस तरह से आपको कुछ दिखता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा पार्ट में जाना है यहाँ पे, और यहाँ से आपको डेटा ग्रिड वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अगर ये यहाँ पे नहीं होगा तो आप सिंपली डेटा पर राइट क्लिक करेंगे, चूज आइटम में जाएंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेटा ग्रिड आइटम्स यहाँ पे लोड हो जाएंगे। जो भी कंपोनेंट होगा आपका वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इसको लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपको डेटा ग्रिड व्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे लिखना होगा डेटा ग्रिड व्यू। ओके, तो डेटा ग्रिड सिलेक्ट करना है तो डेटा ग्रिड कर सकते हैं, व्यू सिलेक्ट करना है तो डेटा ग्रिड व्यू यहाँ पे टिक करना है और ओके पे क्लिक करना है। फिलहाल मैंने ये पहले से कर रखा था। तो देखिए यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू क्या है, प्रेजेंट है। उसके बाद आपको उस डेटा ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिंपली आके ड्रैग करना है और कुछ नहीं करना है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है, डेटा ग्रिड व्यू को यहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्या किया है, सिलेक्ट कर दिया। ओके, तो आप इस तरह से आपके फॉर्म में डेटा ग्रिड व्यू ला सकते हैं। तो मैं इस फॉर्म को फिर से जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में कर लेती हूँ। ओके, तो देखिए अब हम इसका कोडिंग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे भी अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, OLEDB कनेक्शन यूज़ करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको system.data.OLEDB यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, कनेक्शन दिया है जिस किस क्या है कनेक्शन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कौन OLEDB कनेक्शन का। OLEDB कमांड के लिए CMD करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे डेटा अडाप्टर यूज़ करने वाले हैं। ओके, आप चाहे तो डेटा रीडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डेटा अडाप्टर यूज़ करने वाले हैं। ओके, उसके बाद डेटा सेट के लिए मैंने DS यूज़ किया है। जब भी हमारा फॉर्म लोड होगा तो हमारा कनेक्शन वहाँ पे एस्टैब्लिश होगा। तो कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू OLEDB कनेक्शन प्रोवाइडर माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारा एक्सेस का प्रोवाइडर है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। उसके बाद डेटा सोर्स के लिए मैंने डेमो SSDB यूज़ किया है। ओके, तो जो भी डेटा होगा डेमो SSDB में उसका बात मैंने यहाँ पे दिया है। हमने अभी देखा था इसको बात कैसे कैसे देते हैं। उसके बाद आपका जो अगर आपने यहाँ पे पाथ मेंशन किया है तो आपका वो डेमो यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट में होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद हम उस कनेक्शन को ओपन कर लेंगे। देन मैंने ADAPT यूज़ किया है। ओके, ADPT यूज़ करके हमने क्या किया, न्यू अडाप्टर क्रिएट किया है और यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सोर्स में जो हमारा डेमो डेटा सेट है उसमें मैंने T1 नाम का एक डेटा टेबल क्रिएट किया है। उसमें रोल नंबर, SNAME, सिटी और ब्रांच स्टोर है। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे इंसर्ट कमांड दे सकते हैं, अपडेट कमांड दे सकते हैं, डिलीट कमांड दे सकते हैं। फिलहाल तो मुझे सिर्फ शो करना है। यहाँ पे मैंने T1 का जो भी डेटा है, स्टार का मतलब है T1 टेबल में जितना भी डेटा प्रेजेंट है हम वहाँ पे उसको
डिस्प्ले करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कनेक्शन को ऑब्जेक्ट पास किया है। देन हमने क्या किया है, adpt.fill अडेप्टर से हमने ये जो टेबल है T1 को हमने उस पर्टिकुलर डेटा सेट में तो यहाँ पे हमने adpt.fill ये फिल मेथड क्या करता है, एड्स और रिफ्रेशेस रोल्स इन डेटा सेट टू मैच दोज रोल्स इन डेटा सोर्स यूजिंग डेटा सेट एंड डेटा सेट एंड डेटा टेबल नेम। ओके तो हम इस यहाँ पे जो हमने डेटा सेट क्रिएट किया है उसमें उस हम इस टेबल को क्या T1 को क्या टेबल T1 को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है adpt.fill इन ब्रैकेट ds यानी हमारा डेटा सेट के लिए शॉर्ट ऑब्जेक्ट यूज़ किया था ts कॉमा देखकर जिस टेबल को आपको ऐड करना है उस टेबल का आपको नाम देना है डबल कोट्स में। उसके बाद डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू ds यानी कि हम डेटा ग्रिड व्यू में क्या डेटा सोर्स सिलेक्ट कर रहे हैं ds ऐड कर रहे हैं और डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा मेम्बर तो उसमें क्या शो होना चाहिए तो डेट T1 शो करेंगे। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम फॉर्म कर लेंगे, यहाँ पे विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन कर लेंगे और स्टार्ट कर देंगे। देखिए हम मुझे स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके रोल नंबर एस नेम सिटी और ब्रांच में आपको वो डेटाबेस भी शो कर सकती हूँ। ओके तो यहाँ पे हमने कि देखते हैं कहाँ पे स्टोर है उसका लोकेशन। तो यहाँ पे जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे डेमो है तो मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके T1 का डेटा दिखाएंगे, रोल नंबर एस नेम सिटी और ब्रांच देख सकते हैं जो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है वही टेबल यहाँ पे क्या हो रहा है शो हो रहा है। तो इस तरह से हम डेटा ग्रिड व्यू यूज़ करके पर्टिकुलर एक टेबल को जैसा है जैसे कि आपके एक्सेस में वैसे के वैसे आप यहाँ पे आपके फॉर्म में शो कर सकते हैं। ओके और आप चाहे तो ये दो स्टेटमेंट लिखने के अलावा आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अब यहाँ पे आपको क्लिक करनी है यहाँ पे जो नन लिखा है। ओके नन की जगह आपको यहाँ पे अदर डेटा सोर्स सेलेक्ट करना है, प्रोजेक्ट डेटा सोर्स करना है और डेमो में है तो डेमो का यहाँ पे यूज़ करेंगे और T1 यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके तो यहाँ पे दिख जाएगा आप यहाँ पे क्या स्टोर करें। अगर आपको उस डेटा टेबल में कुछ नहीं दिखाना है तो आप यहाँ पे जाके और सिंपली क्या कर दीजिए नन सेलेक्ट कर दीजिए तो यहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो हाइड करके रहेगा। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेस डेटाबेस का जो प्रोग्राम है ओके यहाँ वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया 24 एक्सपेरिमेंट। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।